हेलो दीप सिंह, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों, हम लोग बात करेंगे कि गेहूं की फसल में किसान भाइयों जो दिसंबर माह में जो है जो आवश्यक कार्य होने वाले होते हैं उनके बारे में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि दिसंबर अगर माह में जो है आपको अपने गेहूं की फसल में जो है वो कौन कौन से ज़रूरी कार्य जो है वो करने चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपकी गेहूँ की फसल जो है वो स्वस्थ रहे, उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके और आपको जो उत्पादन जो है आपकी गेहूं की फसल का वो ज़्यादा से ज़्यादा अंत में जो है वो देखने को मिल सके। तो उसी के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, दिसंबर माह में जो ज़रूरी कार्य आपको करने हैं वो सबसे पहला जो कार्य ये है, किसान भाइयों आपने जो है अपने गेहूँ की फसल को जो है वो फंगस जनित रोगों से और इंसेक्टों से बचाने के लिए आपने एक स्प्रे का इस्तेमाल करना है। उसमें आप जो है एक अच्छे फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्प्रे रहेगी किसान भाइयों, जो कि इंसेक्टीसाइड और फंगीसाइड वाली रहेगी, वो आपके गेहूं की फसल को जो है जितने भी फंगस रोगों से जो फंगस की वजह से लगते हैं उनसे बचाएगी। इसके साथ साथ जो इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, कीड़े वगैरह जो इंसेक्ट होते हैं वो गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे एफिड हो गया या फंगस की वजह से लगने वाला पीली रोली हो गई या ब्लैक बाइट हो गया, इस तरीके के जो रोग होते हैं उनसे बचाएगी ये स्प्रे। तो इस स्प्रे में किसान भाइयों आपने जो है अगर फंगीसाइड के अच्छे फंगीसाइड की बात करें तो आप जो है साफ के नाम से एक फंगीसाइड आता है जिसमें कि करमिंडा जिम और मैनकोजेब देखने को मिलता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है टेबुकोनाजोल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो 75% फॉर्मूले में के साथ आता है, उसकी लगभग 200 ml मात्रा जो है आप प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर इंसेक्टीसाइड की बात करें तो आप इंसेक्टीसाइड में किसान भाइयों आप इमामेक्टिन बेंजोट 5% जो फार्मूले के साथ आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 100 ग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ के एकड़ के हिसाब से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा आप क्लोरोफाइलीफोस होगी या उसकी इस्तेमाल मात्रा जो है लगभग 500 ml मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो किसान भाइयों स्प्रे रहेगी इंसेक्टीसाइड और फंगीसाइड की, ये क्या करेगी आपकी गेहूं की फसल को किसी भी जो है इंसेक्ट से और फंगस से किसान भी बचा के रखेगी। जिसके अलावा जिसके फलस्वरूप क्या होगा किसान भाइयों कि आपकी गेहूं की फसल जो है वो स्वस्थ रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके फलस्वरूप आपको अपनी गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छा रहेगा। गेहूँ की फसल तभी अच्छा उत्पादन देगी अगर आप जो है उसमें आपकी गेहूँ की फसल जो है स्वस्थ रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। तो ये किसान भाइयों कुछ सामान्य जानकारी थी, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।